नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। भाई को गोली मार दी है, हमको भी मारे हैं, कंधा मारे हैं, पूरा हमारे कपड़े पड़े फाड़ दिए, एक गला पकड़ के मेरा दबा दिए। जानकारी है अंसार ने दिया था, कुदरा के अंसार हैं, नूरू के लड़के, उन्होंने दिया था और उसके बाद में गोली चलाए थे वो सुल्ली। इस वक्त की उन्नाव से खबर आ रही है, दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मस्जिद में मौलवी को रखने को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे के साथ चली गोली। तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बताते चले कि आज भवानीगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब भवानीगंज में गोली की गड़गड़ाहट की आवाज सुन लोगों में दहशत का माहौल। जब थाना मोरावां क्षेत्र के भवानीगंज में मस्जिद में मौलवी रखने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट होते हुए गोली तक चल गई। घटना की सूचना क्षेत्रीय पुलिस को मिली। सूचना पर थाना मोरावां पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो प्रथम पक्ष हफीज पुत्र रहमतुल्ला, जमील पुत्र रहमतुल्ला, महमूद पुत्र मतीउल्ला, नसीम पुत्र समीर, मुमताज पुत्र सब्बीर, मेराज पुत्र मुमताज, नौशाद पुत्र मुमताज, शकीरा बानो पत्नी शकीर अहमद एवं द्वितीय पक्ष कमरुद्दीन पुत्र करीमुल्ला, मैनुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन, पीर मोहम्मद पुत्र हसीन अहमद, शाजेब पुत्र सुली, अमरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन, अनवर पुत्र इनायत, तौकीर पुत्र पप्पू व अन्य परिजनों के मध्य मारपीट हुई थी, जिसमें प्रथम पक्ष के हफीज, जमील एवं मुमताज गंभीर घायल हैं, जिन्हें पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरावां भेजा गया, जहां से तीनों घायलों को जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा द्वितीय पक्ष के 07 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। आइए देखते हैं घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी महोदय ने क्या कहा। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना मोरावां के ग्राम भवानीगंज में दो पक्षों में मौलवी की नियुक्ति को लेकर के मारपीट और लाठी डंडा चल गया, जिसमें एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मोरावां पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर सीएससी अस्पताल भेजा गया। वहां से डॉक्टरों द्वारा उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। इस संबंध में द्वितीय पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जो आज ये बवाल हुआ है, जो काफ़ी चर्चा का विषय हो गया है, क्या मामला हुआ है? हमको ये नमाजी नमाज पढ़ने गए, वहाँ से निकल रहे थे, निकलते ही इन लोगों ने करीब 12-14 आदमी बाहर के बुला लिया था, हड़ा के थे, कुदरा के थे, इतने लोगों को इन लोगों ने बुला लिया था। उसके बाद में बुलाया, हमारे भाई को बुलाए कि बोले कि समझाने के लिए बुला रहे हैं। वहाँ गए, हमारे घर पे हमको खींच लिए, जब हमारे भाई बोलने लगे तो हमारे भाई को गोली मार दी है, हमको भी मारे हैं, कंधा मारे हैं, पूरा हमारे कपड़े पड़े फाड़ दिए, एक गला पकड़ के मेरा दबा दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लड़ाई थी ये पुरानी भी थी? नहीं, कुछ नहीं, पुरानी नहीं थी। ऐसा सुनने को मिला है कि लड़ाई पुरानी थी और उसे सुलह करने के लिए ये प्लानिंग थी जिसमें ये मामला हुआ? वो झूठ बोल रहे हैं। कम से कम 15 लोग, वाइन भी आई थी, एक वाइन से आए थे सब लोग बैठ के। क्या उनमें से किसी का नाम जानते हो आप? उनमें से उनकी मतलब बहन के लड़के थे दो, उसके बाद में साहबुद्दीन थे, सरफुद्दीन थे, जलालुद्दीन थे, कमरुद्दीन थे, उनके बेटे थे। कम से कम यहाँ के लमसम कम से कम 25-30 लोग यहाँ के थे, 15 लोग करीब बाहर। गोली भी चली ऐसा सूचना है? हमारे भाई को गोली मार दिया जब हम बोलने। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? जमील अहमद, हफीज अहमद। अच्छा, गोली किसको लगी है? हफीज अहमद यहाँ। अच्छा, कहाँ पे लगी है गोली, कुछ जानकारी है? पास में लगी है। हालात कैसे हैं? बहुत सीरियस है। हालात कैसे हैं? ट्रॉमा सेंटर लेके गए? सीरियस है। हम लोग बोले तो हमारी भतीजी को भी मारे और हमको भी मारे, खींच ले गए अंदर, खींच के लेके गए। घटना स्थल पे पुलिस आई थी? नहीं आई, पुलिस नहीं आई थी। बाद में सूचना मिली पुलिस? पुलिस ने पैसे यहाँ से ले गए थे पहले, जुम्मा के पहले कुछ देर पहले आए थे दो लोग पुलिस वाले। आने के बाद में हमने उनके हाथ में पेपर भी देखा, लेकिन उन लोगों ने कुछ बोला नहीं, न सीधा यहाँ से चले गए। बाद में आए लेकिन उन्हीं लोगों की सुने, हम लोगों की कोई नहीं सुना। ठीक है, ये बताइए जो गोली मारी है किसने चलाई है गोली, क्या जानकारी है? अंसार ने दिया था, कुदरा के अंसार हैं, नूरू के लड़के, उन्होंने दिया था और उसके बाद में गोली चलाए थे वो सुल्ली। सुल्ली कमरू? अच्छा, दो लोग मिल के चले? अच्छा, अभी भी मौजूद भी है, गोली मिल भी गई है, दो गोली मिली है। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। कहाँ रहते हैं? भवानीगंज। ये घटना कैसे, क्या हुई है? घटना रात
ऐसे कुछ बात विवाद भय रहा है, उसके बाद में समझौता होता रहा, ये लोग अपन चढ़ाई करके लेके गाड़ी लेके अपन सबको मारते दी। अच्छा, गोली चलने की सूचना मिले, क्या सही बात है? गोली चली है, मरीज आपके सामने गोली है। कितने लोग थे उधर? थे 12-15 लोग उधर के बाहर के, और बदमाश थे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कुछ नहीं, एक मौलाना की विषय में हुई थी बात, वो समझौता हो गया। ऐसे ही लोगों ने पार्टी बंदी बना ली। नाम है आपका? अच्छा, तो आप लड़ाई के समय थी वहाँ पे मौजूद? जी, वो चाचा को बुलाया गया था कि समझौता करने के लिए। जी, वो उन्होंने वार किया, जो हम लोग ऐसे निहत्थे गए थे, कुछ भी नहीं लेके गए थे, और जब हमने बचाने लगे सबको तो हमारे कपड़े सीने में पकड़ के हाथ नोच लिया हमारा। इसकी शिकायत कहीं पे आपने की है? जी नहीं, अभी दो पुलिस वाले आए थे, उनसे बताया, उन्होंने कुछ किया नहीं। अच्छा,